हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल वीर की दुनिया। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का आज के हमारे इस व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 3:30 बजे से। घर पे आया था, लंच वगैरह हो गया है और भाई सो रहा है श्वेत भाई, और मोम भी बैठे हैं। खाना पीना हो गया है मोम का और पूरा काम भी कंप्लीट हो गया है। अभी एकदम फ्री है और टीवी में चल रहा है पोपट भाई फाउंडेशन का वीडियो, जो कि गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को धंधा रोजगार देते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है दोस्तों। और बस दोस्तों अभी तक यह है, फील्ड हो गया है ख़त्म और अभी आज थोड़ा शाम को कहीं पे एक जगह जाना है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाने वाले हैं। और अभी दोस्तों फटाक से चलते हैं ऑफिस पे, फटाक से काम करते हैं ख़त्म और फिर चलते हैं हम लोग एक जगह पे, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा आप जानते हो ऑटो फिलिंग से ये छोटा सा बच्चा है,
ये जादू से आपको जी दोस्तों, स्वागत करते फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस प्यारे से व्लॉग के चैनल में वीर की दुनिया। तो दोस्तों, अभी आपने जैसे देखा कि हम लोग श्री श्री रविशंकर जी महाराज के सत्संग में गए थे, तो दोस्तों अभी डैडी से बात कर रहा था, तो इसके लिए यहाँ पे एक कट लगा होगा छोटा सा। तो अभी हम लोग गए थे श्री श्री रविशंकर जी के महाराज के सत्संग में, जो आपने क्लिप देखा आगे वो वहीं का ही क्लिप था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मैं अकेला ही गया था, श्वेत गया हुआ था अपनी बुआ के घर पे और मम्मी भी गई थी बुआ के घर पे, तो इसके लिए ये लोग नहीं आए, मैं अकेला ही गया था। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया हम लोग ने वो नाइट और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और बस अभी घर पे पहुँचे हैं, तो अभी चल रहा है टीवी में CID। तो CID को डुबाना है हमारा भाई, CID तारक मेहता और क्या जेठालाल। हाँ भाई, जेठालाल तारक मेहता एक ही हो गया। और कार्टून उसमें भी डरावनी कहानियाँ ने वो ने। अभी भी इसका व्लॉग में ध्यान है ही नहीं, अभी भी ये CID देख रहा है। तो ऐसा कुछ है दोस्तों अभी तक का दिन, ना CID का दीवाना हो गया। हाँ, एकदम CID का दीवाना हो गया है हमारा भाई, पागल हो गया है, पागल। इसके दिमाग में CID घुस गई है, निकालनी पड़ेगी लगता है। CID निकालनी नहीं, मिलनी है CID। अच्छा, तुमको क्या बनना है बड़े होके? CID। दोस्तों बड़े होके हमारा श्वेत CID ऑफिसर बनेगा। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं किचन की ओर, थोड़ा मम्मी से मिलते हैं। और मॉम का आज थोड़ा तबीयत डाउन चल रहा है, इसके लिए सुबह से वो ब्लॉग में आए नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हमेशा मम्मी एक्साइटेड रहते हैं आप लोग से बातें करने के लिए। और मम्मी को भी अच्छा लगता है कि वो ब्लॉग में आप सभी लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जैसा भी उनको आता है, कभी बोल लेते हैं कभी नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों बस अपनी मम्मी के जगह पे रख के एडजस्ट कर लीजिएगा, धीरे धीरे वो भी सीख जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं किचन की ओर और मम्मी का अपडेट लेते हैं कि आज क्या है डिनर में। हरिओम।
साउंड सिस्टम खराब हो गया आज, तो थोड़ा पास में चल के हम बात करेंगे। क्या हाल है आज? थोड़ा आवाज बैठ गया है। अभी तबीयत ठीक है? दवा लेके आई ने? दवाई लिया ना? अभी 50-50 या है? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। और डैडी भी आ चुके हैं गाइस। भी डैडी आते हैं तो फिर उनको कैसा है ना कि सबसे पहले तो वो फ्रेश होते हैं, क्योंकि पूरा दिन धूल मिट्टी काम करके शॉप में, फिर क्या कस्टमर वगैरह रहते हैं, तो कोविड के बाद से उन्होंने एक आदत बना ली कि इस टाइम पे आने के बाद भी वो स्नान वगैरह करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी डिनर हो गया, डैडी बोल रहा हूँ, डिनर हो गया रेडी, तो डंक स्लीप हो गई। और बस दोस्तों अभी फटाक से हम लोग करते हैं डिनर और मिलते हैं आप सभी को डिनर के बाद। ज़्यादा आज मम्मी के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि गले में उनको इन्फेक्शन हो गया है। कोई ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं, डॉक्टर के पास जाके आए, डॉक्टर ने कहा कोई टेंशन लीजिए मत, थोड़ा कफ वगैरह हो गया है कि नहीं मम? और बाकी वैसे स्ट्रॉन्ग है मॉम बहुत। और ये हाथ आपको पता है ये हाथ में क्या हुआ था? मैं आपको स्टार्टिंग के व्लॉग में आपने देखा था, तो ये मॉम ने मारामारी की थी, तो भाईगिरी करने गई थी तो सामने वाले को पीट के आ गई है, तो ऐसा कुछ था इनके हाथ का। देखिए ऐसे ऐसे मारामारी करती है मम्मी मेरी। तो बस दोस्तों ऐसे ही जोक के लिए, बाकी मॉम गिर गए थे तो उनको हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन अभी उनका हाथ भी ठीक है। और बस दोस्तों ये सबसे बड़े हैं, अगर इनकी कृपा रही तो नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते अपना। बस इनको सच्चे दिल से हम याद करते हैं और ये हमारे लिए आ जाते हैं। और CID में बहुत ही अच्छा सॉन्ग चल रहा है शोले मूवी का, और दया और अभिजीत की दोस्ती दिखाई गई है दोस्तों। बहुत ब्यूटीफुल सीन है और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, दोस्ती को डेडिकेट किया हुआ है ये। बस दोस्तों चलिए अभी फटाक से करते हैं डिनर, और डिनर के बाद देखिए आप आगे आगे होता है क्या। हाँ जी दोस्तों, तो डिनर वगैरह हो गया है कंप्लीट, डिनर हो गया है और मम्मी ने भी दवाई वगैरह ले लिए। अभी मम्मी और पापा दोनों सो गए हैं और हमारी दोनों की चल रही थी धमाल मस्ती। तो बस दोस्तों अभी धमाल मस्ती ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी फटाक से सो जाते हैं दोस्तों, और आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप सो आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, तो फटाफट से जाइए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरिओम।